जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप देख रहे हैं ड्रीम फौजी। तो आज जिस बाइक का नोगनी है और इंडियन आर्मी SSGD के लिए बहुत दिक्कत होता है नोगनी के लिए, तो आज नोगनी के लिए कौन सा एक्सरसाइज सही है और गलत एक्सरसाइज और सही एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, और नोगनी कौन सी एक्सरसाइज से आपका सॉल्व होगा वही मैं बताऊंगा। तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखना वीडियो को, ताकि आपको पता चले नोगनी की एक्सरसाइज क्या क्या होता है और किस एक्सरसाइज से आपका नोगनी सॉल्व हो सकते है। तो भाई नोगनी मतलब नोगनी किसको कहते हैं मैं आपको दिखाऊँगा, जो है मेरे पास है बंदा उनका नोगनी है। तो नोगनी के लिए मतलब नोगनी इसको कहते हैं जो मतलब ऐसा मतलब ऐसे क्लोज हो जाता है ना ऐसे, इसको नोगनी कहते हैं। तो इसके लिए मतलब इसको ऐसे नॉर्मल रखना है ऐसे, तो ऐसे करने के लिए मतलब सबसे अच्छा एक्सरसाइज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखो, जो भाई आर्मी में जा रहे हैं SSC में जा रहे हैं और मतलब WB कोलकाता पुलिस में ऐसा नहीं है, मेडिकल नहीं होता है। तो भाई जो ATRM आर्मी SSGD ITBP SSB BSF में जाता है ना, तो सबका मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट में अगर नोगनी होता है ना, नोगनी जो होते हैं तो आपको मेडिकल में अनफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिक्कत की कोई बात नहीं, आप अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, जो मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ, अगर वही आप लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो आपको आपका नोगनी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं नोगनी, और मैं एक्सरसाइज बताऊँगा, ठीक है, देखते रहना। पहले होता है सोमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट आपको ऐसे नहीं लेना है, पैर को सीधा करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा मतलब जो चेयर पे जब आप बैठते हैं ना, चेयर पे उसी तरह आपको बैठना है, सीधा आपका छाती सामने होना चाहिए, ठीक है, और सीधा आपको बैठना है ऐसे। और इसके बाद आते हैं स्क्वाट। आपको स्क्वाट थोड़ा जैसे ऐसे लेना, मतलब आपका जो टो है ना, टो को थोड़ा बाहर की तरफ घुमाना चाहिए ऐसे ऐसे, ठीक है, हाथ सीधा सामने चाहिए। उसके बाद आपको फिर से उठक बैठक करना है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है आपको सीधा इस तरह से लेना है पैर को। अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े ना तो सपोर्ट आप ले सकते हो, जैसे कि बाहर रहता है सामने कोई रहता है उसको पकड़ के भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब मैं कोई सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे बैठना है, धीरे धीरे आपको बैठना है ऐसे। यही 3 एक्सरसाइज आपको डेली करना है, सुबह और शाम को भी। और एक एक्सरसाइज है मतलब आप जब आप सोते हो ना, जब सोते हो मतलब पानी का बोतल लेके यहीं पे डाल देना, यहीं पे पानी का बोतल लेके डाल देना, ठीक है। यहाँ पे एक रस्सी से बांध देना, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे एक और बोतल यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर बोतल, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा है, मतलब इन एक्सरसाइज करके अगर आप लोग वहाँ पर बोतल डाल दे तो, पानी का बोतल यहाँ पर अंडे डाल देते हो, उसके बाद यहाँ पे एक रस्सी से, यहाँ पे एक रस्सी से थोड़ा बहुत बंद मतलब रखना है उसे, और उसके बाद सो जाना है, ठीक है। अगर आप लोगों का वीडियो मेरे अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना, और इसी तरह का मतलब इस तरह का वीडियो चाहिए, जैसे कि बेली फैट, चर्बी कैसे कम करना है, रनिंग कैसे करना है, रनिंग से पहले एक्सरसाइज क्या क्या होता है, ठीक है, और रनिंग की स्ट्रेंथिंग पावर कैसे बढ़ाना है, कार्डियो कैसे बढ़ाना है। अगर इसी तरह मतलब इस तरह वीडियो चाहिए आप लोगों को तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।